दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले मुझे YouTube पार्टनर मैनेजर मिला था और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, YouTube को थैंक्स भी बोला था। अब वहां पर जब मैं उनसे बात करता हूँ तो काफी कुछ नया सीखने को मिलता है और मैंने ये सोचा है कि मैं जो भी वहां से सीखूंगा उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग भी सीख सके। जिनके पास पार्टनर मैनेजर नहीं है वो सारे चल को भी वो सारी नॉलेज मिल सके जो कि मैं उनसे ले रहा हूं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी पुरानी वीडियोज होती है उन पर हम व्यूज इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के चैनल पर जो नई वीडियो डालते हैं उस पर तुरंत व्यूज नहीं आते, बाद में व्यूज आते हैं, जैसे कि मेरे चैनल पर होता है, लेकिन पुरानी वीडियो जो है वो चलती रहती है, उन पर व्यूज आते रहते हैं और इससे चैनल की अर्निंग काफी अच्छी खासी हो जाती है। तो अगर आपके चैनल पर काफी ज्यादा वीडियो आपने अपलोड की हुई है और आपके नए जो कंटेंट है उन पर व्यूज अगर कम आते हैं या फिर ज्यादा आते हैं, लेकिन पुराने जो कंटेंट है उन पर आप व्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो कंप्लीट आप जरूर देखिएगा। मैं कुछ टिप्स और कुछ सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिक बैट ऑनली टेक। दोस्तों, यदि लाइफ में कभी भी आपको अर्जेंट पैसे की जरूरत हो तो आप लोन ब्रो एप्लीकेशन से इंस्टेंट 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल के द्वारा आधार कार्ड और पैन कार्ड को सबमिट करके। इसके अलावा अगर आपके पास पीएफ अकाउंट है तो आपको लोन मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इससे साबित हो जाता है कि आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी एक स्टेबल इनकम है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका सिबिल स्कोर काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उससे आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी क्रेडिट लिमिट भी इंक्रीज हो जाती है। तो लोन ब्रो एप्लीकेशन काफी अच्छी है, 4.4 की रेटिंग इसको गूगल प्ले स्टोर पे मिली हुई है। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा रेफरल कोड भी मिल जाएगा। अगर मेरा रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको रीपेमेंट करते टाइम काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में और लोन ब्यूरो ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप कभी भी इससे लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो लोन ब्यूरो ऐप है इसका जो सारा का सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से पेपरलेस है। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको एक गुड लोन अमाउंट मिल सकता है और जो आपका रीपेमेंट बिहेवियर है उस पर भी ये डिपेंड करता है कि वो इंक्रीज हो सकता है आपका लोन अमाउंट। तो आपको जो ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर एक बार यूज कीजिएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक की कि भाई पुरानी वीडियोस पर हम व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला तो मैं अपना टिप्स दूंगा और दूसरी एक सेटिंग बताऊंगा। देखिए, अगर आपके चैनल पर काफी सारी वीडियोज आपने अपलोड किए, 100, 200, 500, 1000, तो आप क्या करें, एक प्लेलिस्ट तैयार करें। अब प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम कॉमेडी वीडियो बनाते हैं उसमें प्लेलिस्ट कैसे बनाएं। तो कभी भी, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आप अपने चैनल पर काम करते हैं तो हमेशा एपिसोडिक कंटेंट आपको बनाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरा चैनल है तो मैंने कुछ एपिसोडिक कंटेंट बनाया, जैसे ब्लॉगर पर बनाया तो बहुत सारी वीडियो बनाई, फिर यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई, फिर गैजेट पर काफ़ी सारी वीडियो है, अनबॉक्सिंग पर काफ़ी सारी है, वर्डप्रेस पर काफ़ी सारी है। अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो भी आप एक कॉमेडी का सीरीज बनाएं कि भाई ये 1, 2, 3, 4 वीडियो या फिर 1, 2, 3, 5, 7 वीडियो बना दे, एक सीरीज टाइप में वीडियो बनाए। अगर आपका फूड का चैनल है तो भी आप अच्छे खासे प्लेलिस्ट बना सकते हैं, जैसे दाल की रेसिपी कौन कौन सी है, ब्रेकफास्ट की कौन कौन सी है, क्विक स्नैक्स की कौन कौन सी है, या फिर पनीर की कौन कौन सी रेसिपी है, इस तरह का आपको करना। अगर आपका डांस का चैनल है तो वहाँ भी आप प्लेलिस्ट तैयार कर सकते हैं कि भाई फोक डांस ये है, हिप हॉप ये है, या ये वो वाला डांस है। तो अलग अलग तरह की जो कैटेगरी है उसके बहुत सारे वीडियो को मिक्स करके आप एक प्लेलिस्ट तैयार करें। प्लेलिस्ट आपकी तैयार हो गई, अब आपको करना क्या है वो सुन लीजिए। जब भी आप कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको उस वीडियो को पुराने वीडियो से रिलेट कर देना है, कहीं ना कहीं लिंक कर देना है और उस पुराने वीडियो को आई बटन में या फिर एंड स्क्रीन में लगा देना है। इससे आपको पुराने वीडियोस पर भी व्यूज मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं एक सेटिंग की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद बहुत लोग नहीं करते और मैं भी नहीं किया करता था, लेकिन मेरे को मेरे मैनेजर ने बताया और अभी मैंने इस पे इंप्लीमेंट किया है। आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी चैनल पर प्लेलिस्ट है उनको सेट करना है एज ए ऑफिशियल। उसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे 3 बिंदी आपको मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ये सेटिंग है इसकी, जहां पे आपको मिल जाएगा सेट एज ऑफिशियल और इस पे ऑफिशियल पे आपको सेट कर देना है। अब इसका फायदा सुन लीजिए, इसका फायदा ये है कि मान लीजिए इस प्लेलिस्ट में आपकी 40 वीडियो है या फिर 30 वीडियो है और एक जैसी सिमिलर है, तो कोई भी अगर कोई यूजर आता है और आपकी एक वीडियो देख रहा है, चाहे वो आपकी नई वीडियो हो सकती है, तो पुरानी वीडियोस ऑटोमेटिक लूप में चलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, यानी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी ही चलेगी, साइड में आपकी ही वीडियो सजेस्टेड में आएगी। ऐसा 100% तो पॉसिबल नहीं होता है, बट बहुत ज्यादा हद तक यही होता है कि आपकी वीडियो सजेस्टेड में आती है साइड में और आपकी ही सेकंड वीडियो चलती है। इससे पुरानी वीडियोस पर काफी ज्यादा व्यूज इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं इनमें से जो पहली वाली टिप्स थी वो तो पहले से यूज कर रहा था
और उससे मुझे फायदा हो रहा था। ये सेकंड वाली जो ट्रिक है जो मेरे मैनेजर ने मुझे बताई है, ये मैंने यूज की है, इससे मुझे बेनिफिट भी हुआ है। इस तरह से आपके जो पुराने वीडियोज है वो वापस से चलने लग जाएंगे, उन पर व्यूज आने लग जाएंगे, और अगर आपके पास अच्छा एंगेजमेंट आ जाता है पुरानी वीडियो पे तो वो वीडियो ज्यादा आगे बढ़ सकती है, सजेस्टेड में जा सकती है, YouTube लोगों को रिकमेंड कर सकता है। इस तरह से आप अपने पुरानी जो वीडियोज है उन पर व्यूज ले सकते हैं, और किसी भी चैनल की जो ओवरऑल अर्निंग होती है वो सिर्फ नई वीडियो पर ही डिपेंड नहीं करती कि भाई नई वीडियो पर कितने व्यूज आते हैं, जो पुरानी आपने पहले वीडियो बना रखी है उन पर जो व्यूज आ रहे हैं, उन पर जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है, उस पर भी डिपेंड करती है। तो आप ये जरूर करें और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं आप इससे। और अगर आपको ये अच्छी लगी नॉलेज तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाए। इसी तरह के कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।